अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ है भाई? ईद मुबारक, ईद मुबारक है। माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह, आपके ग्लो का राज क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या फेस निखर के सामने आ रहा है आपका, वाह मजा आ गया देख के। इतना सारा था ना आपका, बहुत ज्यादा था ना, है ना? तो इस हाँ तो है, वो जो सेकंड रेमेडी है वो इसीलिए तो है ताकि जो अंदर से बचा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म करेगा। वो थोड़ा सा रेडनेस होगा लेकिन धीरे 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 जाके वक्त लगेगा। वक्त कितने महीने हो गए आपको बम्पर रेमेडी यूज करके? 6.5 साढ़े 6 महीना हो गया, मतलब पहला बम्पर रेमेडी से 6 महीना हो गया, नहीं, पहले पांच 5.5 महीना, महीना, हाँ 6 महीना लगभग हो जाएगा। 6 महीना, हाँ 6 महीना हो गया। क्योंकि फर्स्ट जब आपने बम्पर रेमेडी यूज किया और वहां से लेके अभी तक आपको 6 महीना हो गया। आपका देखिए लुक तो देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बहुत खुशी होती है देख के। वो होने दीजिए, थोड़ा रेड होता है अच्छा है। और रेडनेस का ये भी कारण हो सकता है कि जो आप प्रोटीन वगैरह सब अच्छे से खा पी रहे हो तो उससे ब्लड बना होगा आपका, तो उससे भी रेडनेस पिंक पिंक हम दिखने लग जाते हैं। ठीक है, उससे भी होता है, लेकिन अभी इसको छोड़ना नहीं है, यूज करते चले जाना है इसी तरह से। ठीक है, इधर इधर रेडनेस नहीं होता, सिर्फ खाली वहां पे होता है यार। हाँ तो होगा फिर वहां पे वो पैच होगा, वो अंदर अंदर होगा। और इसीलिए तो मैं यही देखना चाह रही थी कि 6 महीने बाद आपका फेस कैसा है ना? बम्पर रेमेडी यूज करके, सेकंड रेमेडी यूज करके, आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हो भाई। आपको तो कोई देखेगा ना, नजर ही लगनी है। माशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। अच्छा रिजल्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब 6 महीने में आपका रिटर्न नहीं आया, कहाँ आया? नहीं आया ना आपका रिटर्न 6 महीने में? आया नहीं आया, नहीं तो वो धीरे 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 जो अंदर से है ना वो खत्म करेगा। वो धीरे धीरे जैसे आप यूज करते हुए चले जा रहे हो, चलते रहिए, जूस जरूर से पिया करो आप, एक आध नारियल पानी भी पी लिया करो। ठीक है, इस तरह से करते हैं। कितना अच्छा हो गया अभी माशाल्लाह, 6 महीना। आपने कभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट देखा या आपने भी किया होगा नहीं दुनिया भर का कि 6 महीना आपका फेस इस तरह से अच्छा करके रख सके? देखा है आपने कभी? मैडम, वो अच्छा हो रहा है। मेरे को भी बहुत खुशी है, मतलब अच्छा। अगर ये बाल के बराबर भी कहीं अंदर रहेगा ना तो वो फिर से फलेगा, इसीलिए उसको रोकने के लिए सेकेंड रेमेडी है कि वो अंदर अंदर से ही खत्म हो जाए, है ना? तो उसको बंद नहीं ओके करना है, उसको बिल्कुल यूज करते देखिए। कुछ ना कुछ तो आप यूज करोगे ना फेस पे, अगर सपोज करो वो बंद कर दे तो कोई क्रीम कोई पाउडर कुछ तो खरीदोगे 1000 2000 का, तो आप यूज हाँ करते तो वो उससे कोई लाभ कोई फायदा तो होने वाला नहीं है आपको। तो आप वो चीज पे खर्च करो जो उसमें आपका फायदा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसको यूज करते चले जाओ। जब और आगे आप चले जाओगे ना, आपका बहुत ज्यादा डेंजरस था, बहुत ज्यादा। ठीक है, सेकेंड रेमेडी में सबको देती भी नहीं क्योंकि आपका बहुत डेंजर था, इसी वजह से मैंने आपको दिया है। ठीक है, ये सनस्क्रीन लगाता हूँ ना मैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद 2 घंटे का बाद पूरा रेड दिखाई देता है। हाँ रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरा भी होता है। मैं तो अभी कितने साल हो गए, मेरा 3 साल तकरीबन होने को आया है अभी। मैं भी अभी सनस्क्रीन लगाती हूँ तो जलन भी होती है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जलन होती है, तो मुझे भी हाँ जलन करेक्ट होती है, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पोर्स ड्राई हो जाते हैं ना, सूख जाता है, तो उसको इसीलिए वो थोड़ा सा वो ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, 5 5 मिनट 4 मिनट के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है ना। तो वो मुझे भी अभी अभी मैं लगाती हूँ, थोड़ा सा मिर्ची की जैसा मुझे भी लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है फिर वो, तो वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है उससे, कुछ भी मसला नहीं है आपका, सब ठीक ठाक है, अच्छा है। और इसी तरह से आप चलते रहिए। ठीक है, आप पहले एक ऐसे बम्पर रेमेडी यूजर हैं, मतलब यूजर बोल सकते हैं इसको, बम्पर रेमेडी आप पहले ऐसे इंसान हो जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहे हो, और आपने हर बार आपने मुझे बिल्कुल चौंका देने वाला फेस दिखाया है। ठीक है, और हाँ, वो तो बहुत। जी
क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 महीना यूज किया फिर उनको फोन करते रहो, उनको कुछ मतलब ऐसा होता है कि लेना देना नहीं, अपना काम बन गया बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो वैसे ही खत्म होगा, उसके पीछे ना हाथ धो के पैर धो के सब पढ़ना पड़ेगा उसको, जो उसको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो, आप पहले दिन से, आप देखो जब से आपने बात किया था तब से आज 6 महीना हो गया, क्या मैंने कभी आपसे ऐसा हुआ कि मैंने बात नहीं किया हो कभी? है ना, है ना। तो मैंने बीच में भी आपको कॉल किया था लेकिन आपने शायद रिसीव नहीं किया, बिजी होंगे आप इसीलिए। ठीक है, हाँ, आप चेक करो, आपको पता चलेगा। इसी तरह से करते चले जाइए, आगे भी सब अच्छा, अब तक अच्छा हुआ है ना, अब तक अच्छा हुआ है ना, कहीं जाना अभी क्या है। नहीं मैडम, वो इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है, मैं पूरा फेस चला जा रहा है। देखिए, जो काला आपका दिख रहा था उससे तो अच्छा है ना, जो काला वो उससे तो बहुत, उससे तो मैडम बहुत है, बहुत उससे तो बहुत अच्छा है मैडम, अभी तो मैं देखने के बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था लग रहा देख के, है ना। जो पहले वाला आपका था आपको तो वो देखते तो नहीं अच्छा लगता ना, आपको ये तो नहीं कहेगा ना आपको पिगमेंटेशन है, हो गया, एटलीस्ट एक निशान भी नहीं दिख रहा अब आपके फेस के ऊपर, है ना। तो इसी तरह से चलते, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे देखो मैडम, धीरे धीरे कम हो रहा है सर। इसको हटाना मुमकिन काम है, जो मैंने मुमकिन आपका किया है, 6 महीने आपका फेस इतना अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है, लोगों ने तो लाख लाख रुपए खर्च करके नहीं पाया ये सारी चीजें। ठीक है, जो मिला हो शुक्र अदा कीजिए, और अल्लाह से कहिए, नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह से कहिए कि मुझे भी शिफा दे और इससे जो परेशान है अल्लाह उसे भी शिफा दे सबके लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अच्छे से रहिए इसी तरह से, और दुआओं में अपनी बहन को भी जरूर से याद रखिए, अपनी बाजी को। ठीक है, आप भी दुआ कीजिए मैडम।